अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लोकल एचडी पाकिस्तान की आवाज़। हमारे बुलेटिन में शामिल हैं शहर शहर नगर नगर की खबरें। सबसे पहले सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ कि हमारी इस दावत पर आप लोग सब आए और मुझे बहुत खुशी हुई और इसी बहाने मुझे मौका भी मिला आप सबसे मिलने का भी और इंशाल्लाह इसी तरह मैं आपसे मिलता भी रहूँगा। मैंने असल में MBBS जो मेरा सारी एजुकेशन थी वो इस्लामाबाद से थी। जब मेरा MBBS ख़त्म हुआ स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना था एज एन हेमो तो सब लोगों ने मुझे कहा कि सैफुल्ला आप नारोवाल क्यों जाना चाहते हैं, मतलब इस्लामाबाद जाए लाहौर जाए वहाँ ज़्यादा स्पेशलाइजेशन सब। लेकिन मैं उन सबको यही बात कहता था कि जितना मेरे वालिद साहब ने नारोवाल इतनी लोगों की खिदमत की है 25-30 सालों से वो यहीं नारोवाल में है तो मैं क्यों ना जब मेरे पास मौका आया कि अपने लोगों के लिए अपने नारोवाल के लिए मेरा टाइम आया खिदमत करने का तो मैं क्यों इस्लामाबाद के लोगों के लिए खिदमत करूँ ना लाहौर के लोगों के लिए। मैंने कहा कि मुझे भी नारोवाल जाना चाहिए और मुझे भी अब जब मौका मेरे पास आया तो मुझे भी नारोवाल के लोगों के लिए खिदमत करनी चाहिए और उनके लिए काम करनी चाहिए। जैसे मेरे वालिद साहब ने पिछले 30 साल से वो हिदर ही है लोगों की खिदमत करी, इस तरह मैं भी अपना ये फ़र्ज़ समझता हूँ कि मैं भी नारोवाल आऊँ और नारोवाल लोगों के लिए मैं अपनी खिदमत पेश करूँ। कि उन्होंने मुझे और मेरे साथ जो हमारे ग्रुप के कायदीन हैं और बार के रिस्पेक्टेबल मेंबर्स और मेरे साथ मेरी कैबिनेट कबीना के अहदेदारान को यहाँ वेलकम किया। अवान का मतलब होता है मददगार। अवान साहब मलक तारक अवान साहब 30 साल से लोगों की मदद कर रहे हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं और हम तो करते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये जो सोशल सर्विस का सिलसिला ये जारी रहेगा। हमारी बार कमेटी भी इनके हर मुस्बत काम में इनके साथ है। साहब आपसे और जो दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं सबसे मैं माजरत करूँगा कि मलक साहब से ये दावत काफ़ी देर हो गई है जो हमें इनविटेशन था लेकिन ये हमारी तरफ से जो है ना लेट हुआ और ये सारे दोस्तों से सबसे पहले माजरत है और माजरत के साथ साथ मलक साहब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फंक्शन आपने अरेंज किया है। यकीन करें जब आए थे मुझे यही था कि जाना है और खाना खा के हमने वापस आ जाना है लेकिन क्या मज़ा आया। यकीन करें जितनी वो 6 माह की थकावट है हमारी आपने एक दिन में उतार दी है। मैं मलक साहब का तो शुक्रिया अदा करेंगे जी कि जिन्हें सबका यादा भी ताज़ा कीतिया ने और सबका जड़िया मुहब्बत सन उन्होंने अज ज़्यादा उजागर किया और बाकी जीवन ने ना वे बल्ब ने रोशनी पाई है और बहुत मज़ा आ रहा है। मलक साहब शुक्रिया बार वालों भी साढ़े वालों भी साढ़े प्यार वालों भी खुश रहो बसते रहो इंशाल्लाह। मैं सवेरे भी कहा जी कि मोहब्बत जी है ना वही प्रवेल करती है। बहुत शुक्रिया जी। शमशाद आया दावत जी और ये मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ पे इस तरह इंतजाम हो सकते हैं और बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तरह की हमें मौका दिया देखने का। मलक साहब अक्सर महफिल सजाते हैं और हम इन्वाइट भी करते हैं और आप जिस तरह उन्होंने बाज़ौक तरीके से महफिल सजाई है और सब दोस्तों को एंजॉयमेंट करने का मौका दिया है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला तुम सलामत रखे हमेशा वाली इज्जत और हमेशा वाली खुशियाँ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। इब्राहिम गुराया साहब उससे बस यही आगाह है मलक साहब नारोवाल में एक मॉडल का जो है वो दर्जा रखते हैं
कुर्ता पहनते हैं तो लोग फॉलो करते हैं, वेस्ट कोट पहनते हैं तो फॉलो करते हैं, शलवार कमीज पहनते हैं तो फॉलो करते हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मुतारफ करवाते हैं और लोग उनको फॉलो सारी ना दस दियो।